नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, जो कि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये शिवपुरी सब्जी मंडी की तस्वीर है और यहीं पर चलंत मतदान केंद्र बनाया गया है जिसमें वार्ड संख्या 7 के जो है वो मतदाता जो है वो यहाँ वोट करने पहुँच रहे हैं। जो तस्वीरें हैं ये सड़क पे ही बीच सड़क पे ही जो है अस्थायी रूप से ये पोलिंग बूथ बनाया गया है, क्योंकि इस पोलिंग बूथ के लिए कोई भवन अलॉट नहीं हुआ है, तो वैसी स्थिति में चलंत बूथ बनाया गया है। यहीं पे तमाम मतदाता जो है वो आकर अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो यहां पर जो मतदाता है वो मतदाताओं के लिए 3 जो है ईवीएम रखा गया है, जिसमें जो पीले रंग की जो ईवीएम की जो को जो ढका गया है वो मेयर पद के लिए, वहीं जो नीली जो ईवीएम को ढका गया है वो उप मुख्य पार्षद अर्थात डिप्टी मेयर के लिए, वहीं उजली रंग के जो ईवीएम को जो ढका गया है वो वार्ड पार्षद के लिए बनाया गया है। तो यहीं पर तमाम जो मतदाता जो आएंगे आ रहे हैं वो अपना वोट कास्ट भी करने पहुंच रहे हैं। भवन अलॉट नहीं होने के कारण इस मतदान केंद्र को अस्थायी रूप से बनाया गया है। और ठीक देखिए जो तस्वीरें हैं दोनों सड़क के बीच में जो अस्थायी रूप से जो है पंडाल बनाकर यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ बनाया गया है, और यहीं पर जो मतदाता है वो अपना वोट करने पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो है 2 पोलिंग बूथ है, जो शिवपुरी सब्जी मंडी जो है पटना के बोलिंग रोड की जो शिवपुरी है वहीं सब्जी मंडी के पास में ही ये 2 पोलिंग बूथ बनाया गया है, और मतदान जो है शाम 5 बजे तक ये मतदान होंगे। और इसी अस्थायी पोलिंग बूथ पे जो है जो मतदान कर्मी हैं वो भी तैनात हैं, सुरक्षाकर्मी की भी पूरी तैनाती है, सुरक्षाकर्मी की भी जगह जगह यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि कोई व्यक्ति जो है वो गड़बड़ी ना करे, इसकी विशेष रूप से व्यवस्था भी की गई है। और अस्थायी रूप से पोलिंग बूथ बनाकर एक कोशिश की गई है कि जो भी मतदाता जो आए वो अपना वोट करें, क्योंकि पटना में जो है 70 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब पटना की जनता जो है वो सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वो चुनाव करेगी, वो सीधे चुनने का काम करेगी। इससे पहले जो परंपरा रही है कि जो मुख्य जो पार्षद होते थे वहीं मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे, तो वैसी स्थिति में पटना स्मार्ट बने, पटना सुंदर बने, पटना स्वच्छ बने, इसको लेकर अब पटना वासियों के हाथों में जिम्मेवारी है कि वो कैसे लोगों का चुनाव करती है। वैसी स्थिति में तमाम मतदाता जो है अपना मतदान करने के लिए जो है वो मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं और अपना मतदान भी कर रहे हैं। तो ये शिवपुरी की तस्वीर है, शिवपुरी में जो शिवपुरी ओवरब्रिज है उसके ठीक नीचे जो है अस्थायी रूप से जो है पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिसको चलंत मतदान केंद्र भी कहा जाता है। कैमरा सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।